इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन के चैप्टर सेवन की एग्जाम्पल नंबर सेवन सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट तो ये ए बी मुझे एक लाइन सेगमेंट दिया गया है पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी तो एक पॉइंट पी और एक क्यू ए बी के ऑपोजिट साइड्स पे एक इस साइड और एक इस साइड सच दैट ईच ऑफ दैम इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम द पॉइंट्स ए एंड बी इक्वी डिस्टेंट का मतलब कि ये पॉइंट ए से जितनी दूर है उतना ही ये बी से दूर है यानी कि पी ए और पी बी ये दोनों हमें क्या दिए हुए हैं बराबर दिए हुए हैं सिमिलरली क्यू भी ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है यानी कि ए क्यू और बी क्यू ये भी हमें क्या दिए हुए हैं बराबर दिए हैं यानी कि कॉन्ग्रेंट सो ए पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी पी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू बी पी एंड ए क्यू इज कॉन्ग्रेट टू बी क्यू ए क्यू इज कॉन्ग्रेट टू बी क्यू ये हमें गिवन है शो दैट द लाइन पी क्यू अगर मैं इस पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दू तो ये जो लाइन है इज द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी का मतलब एक तो ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगे दूसरा ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री ओके तो ये हमें प्रूफ करना है अब देखो अगर मैं इस ट्राएंगल और इस ट्राएंगल को कांग्रेट प्रूफ कर दूँ तो ये साइड इसके बराबर आ जाएगी और ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा और हमारा काम सॉल्व हो जाएगा अब ये साइड इसके बराबर ऑलरेडी है इन दोनों ट्राएंगल्स में ये जो साइड है ये वैसे ही कॉमन है है ना तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एंगल अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर दूं तो बाय एस ए एस पॉस्टुलेट मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगा राइट लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये एंगल इसके बराबर है या नहीं ये हम प्रूव करते हैं कैसे इसके लिए मैं ये दो बड़ी ट्राइंगल्स ये पी ए क्यू और पी बी क्यू मैं इन दोनों को कांग्रेट प्रूव करता हूँ कैसे लेट्स डू दैट इन ट्रैंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो ए पी साइड मुझे कॉन्ग्रेंट दी गई है बी पी साइड के ये मुझे ऑलरेडी गिवन है ठीक है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है दूसरी तरफ ये दोनों भी बराबर दिए हैं तो ये भी मैं लिख लेता हूँ ए क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी क्यू ये भी क्या है गिवन ये दोनों चीज़ें मुझे गिवन है तीसरा इस बड़ी ट्रायंगल में और इस बड़ी ट्रायंगल में ये पूरी बड़ी साइड पी क्यू दोनों में कॉमन है सो पी क्यू अपने ही कॉन्ग्रेट हो गई इस कॉन्ग्रेट टू पी क्यू यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये साइड अपने ही कॉन्ग्रेट हो गई तो ये जो बड़ी ट्रायंगल है पी ए क्यू और पी बी क्यू इसमें तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गई ये इसके बराबर ये इसके बराबर और बड़ी वाली अपने ही बराबर ट मींस साइड साइड एंड साइड सो बाय पॉस्टुलेट ट्राइंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रेंट तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेट हो गई देन यूजिंग सी पी सी टी सी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रेंट हो गए तो यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा राइट right? कैसे ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट थी बड़ी ट्राइंगल्स में तो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा तो डैट मीन्स एंगल ए पी ओ इस कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी पी ओ अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे टू प्रूव कि ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है अब हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेते ले हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राएंगल बी ओ पी ए पी एंड बी ओ पी अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इसके बराबर ये हमें गिवन है ए पी एज कॉन्ग्रेंट टू बी पी ये क्या है गिवन ठीक है अब ये एंगल अभी अभी हमने इसके बराबर प्रूव किया राइट एंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी पी ओ जस्ट प्रूवड अभी अभी हमने इन दोनों को बराबर प्रूव किया और ये जो साइड है ओ पी ये अपने ही कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये साइड अपने ही कॉन्ग्रेंट हो गई सो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड एक साइड फिर एक एंगल और फिर एक साइड सो बाय ए एस पॉस्टुलेट ट्रैंगल आर कॉन्ग्रेंट अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो यूजिंग सी पी सी टी सी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट हो गए, तो गए यानी कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा एंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ओ पी इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा राइट क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में तो इनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए अब एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी ये ओवरऑल क्या बनाते हैं वन एटी डिग्री का एंगल राइट नाउ एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज वन हंड्रेड एंड एट्टी क्यों क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो ये दोनों मिला के हंड्रेड एंड एट्टी बनाते हैं अब ए ओ पी और बी ओ पी आपस में बराबर हैं तो ए पी की जगह मैं बी ओ पी लिख सकता हूँ तो दिस एम्प्लाइज एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज़ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया दिस एम्प्लाइज टू टाइम्स एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज दैट मीन्स एंगल बी ओ पी कितना हो गया नाइन्टी डिग्रीज़ विच एम्प्लाइज अगर बी ओ पी बी ओ पी मेरा नाइन्टी डिग्रीज हो गया तो इसका मतलब ये पी ओ क्यू जो है ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर दिस एम्प्लाइज पी ओ Q इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी तो एक पार्ट मेरा प्रूव हो गया ठीक है अब हमारे पास क्या बच गया है? कि हमने ये प्रूव करना है कि O जो है वो A और B का मिड पॉइंट है ठीक है तभी तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा और ये एक तरह से हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहां मैं इसको एक बार क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ फिर से देखो ये था मेरे पास A, O, B और ये P और ये ट्राइंगल और ये ट्रैगल हमने अभी अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव की ए ओ पी और बी ओ पी को हमने कांग्रेन प्रूव किया ये साइड इसके बराबर में गिवन थी ये दोनों में कॉमन साइड है तो तीसरी साइड तो यही बची तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी राइट सो अगेन यूजिंग सी पी सी टी सी वी कैन से ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी तो ओ ए और ओ बी अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब ओ क्या हो गया ए बी का मिड पॉइंट और अगर ओ ए बी का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब पी ओ इसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट दिस एम्प्लाइज पी ओ और पी ओ ये स्ट्रेट लाइन क्यू तक जा रही है तो मैं इसको क्यू लिख सकता हूँ पी ओ क्यू बाई लाइन ए बी ए बी लाइन सेगमेंट को पी ओ क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है तो अब हमारे पास क्या आ गया कि पी ओ क्यू ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है पी ओ क्यू ए बी को बाइसेक्ट भी करता है तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैंस प्रूव सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल कीप वॉचिंग मैथे माफिया